चाचा के साथ जुम्मा पढ़ने। अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है हमने और देख सकते हैं कितना रश है। और चाचा जाने जमजम भी ने और इतना रश है कि बहुत ज़्यादा ही रश था। अभी जुम्मे की नमाज में तो पाँव तक की रखने की जगह नहीं थी, इतना रश हुआ था। अभी तो ये फिर भी कम हो गया, दे देते हैं। अभी भी रश ही रश है अंदर। अभी सलाम की तरफ भी ना बहुत ज़्यादा रश हुआ है। अभी वहाँ से देख कर आ रहे हैं ना, वहाँ से तो फिर वहाँ से भी ना पूरा रश हुआ है इन्होंने। अभी यहीं खड़े होते हैं, अभी अंदर जाएंगे वहाँ पर सलाम की तरफ। तो अभी देखते हैं अगर रश कम हुआ तो फिर जाएंगे। अब जमजम तो खाली है भैया। मैंने बोले बोले ही था कि जमजम खाली हो गया होगा यहाँ का, पता नहीं होता ना, वरना लेट भी हो गए ना। हम तो इतनी देर से ना हम इधर ही थे ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी अंदर आ जाते ना तो जमजम हमें मिल जाता। हाँ तो भी अंदर आ रहे हैं वहाँ पर। हम शावर दिखाओ ना, ऊपर का रास्ता देखो बंद हो गया, फिर जा सकते हैं माशाल्लाह। सुना लो देख सकते हैं अभी लोग, और इतना रश है अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जो मेरे बता ना अंदर अंदर दिया नहीं है ना, मैंने वहाँ पढ़ी ना वहाँ होता था। अभी यहाँ अब थोड़ा सा खाली हो चुका है जगह ना, इसकी जगह खाली है। अब यहाँ जमजम पीने यहाँ पर हम क्योंकि बाहर का जमजम तो फिनिश भी हो जाता है, कम देर से भी आया था उस जगह पर। देख सकते हैं आप लोग गेट से बहुत सारे गेट्स हैं यहाँ पर, फिर जाएंगे वहाँ पर गेट वहाँ पर भी से भी निकल रहा है, वहाँ से भी निकल रहा है। ज़्यादा ही गर्म है अच्छा। और इस जगह से आप देख रहे हैं ना ये खिड़कियाँ, ये भी खुल जाती हैं जो ऊपर मैं फोन कर रहा हूँ ना, ये है ये खुली ना से ठीक है। शाम की जब बहुत रश थे तो हम गए ही नहीं, तो देख सकते हैं आप लोग हरम शरीफ। और ये है हज़रत अली की मस्जिद जो हरम शरीफ के बिल्कुल सामने, और देख सकते हैं कबूतर भी रोड है। और देख सकते हैं आप ये मस्जिद है, ये देख सकते हैं अभी खुली हुई भी है तो अंदर चलते हैं। चाचा ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, मैं बाहर आया था मुझे पता नहीं खुली हुई थी, तो अभी अंदर चलते हैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको भी देख सकते हैं आप लोग राजा अभी का बार अगर अब हम देख कर आए अंदर कैसी हो रही है। ये सत्ता आप लोग प्यारी मजे तो हुई है अंदर से, देख सकते हैं उस टाइम के ये लगी हुई है सब पत्थर जैसे जिससे बनी हुई है। चलते हैं बाहर क्योंकि अभी मैं ज़्यादा ज़ोर बोल नहीं सकता ज़्यादा ज़ोर से, जैसे ना ज़्यादा वीडियो बनाने माशाल्लाह से बहुत अच्छी मस्जिद है अंदर की। तो वो कौन सी मस्जिद है? अच्छा अबू बकर की है।
सच ये है हज़रत अबू बकर की मस्जिद थी ये वाली, और पता नहीं वो भी खुली हुई निकली हुई मुझे तो भी अगर खुली हुई तो फिर हम जाएंगे हम लोग। हाँ वही तो बंद होती हैं चाचा ये, वैसे मैंने जब भी देखी ना बंद ही थी, आज पता नहीं कैसे खुली हुई है। हाँ सर जैसे दें न्यू KFC वगैरह ये सब न्यू खोल चुके हैं अभी हरम शरीफ के बिल्कुल पीछे, ताकि जो जो हाजी वगैरह उनको नहीं मिला मकान का तो यहाँ पर आके खा सकें, इसीलिए तो भी मुझे चंद रहेंगे फिर आपको देख सकते हैं अभी आप लोग। और ये थी जो भी हम गए थे जिसमें हजरत अली की मस्जिद हजरत अली सला खुली हुई है मस्जिद अभी, तो अभी अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सही में 1400 साल पुरानी मस्जिद है चाचा बता रहे हैं, यानी चाचा वो भी 1400 साल पुरानी है। गाइस दोनों 1400 साल पुरानी मस्जिद है ये, उस टाइम के पत्थर लगे हुए गाइस ये देख सकते हैं आप, पत्थर भी उसी टाइम के लगे हुए हैं अभी तक। अभी चलते हैं अंदर देखकर आते हैं अंदर भी जैसे बनी हुई माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत सही बन सकते हैं थी। जो पत्थर लगे हैं ये सब 1400 साल पुराने गए पत्थर हैं ये सब, बहुत प्यारी मुझे बनाई हुई इन्होंने। और ये है भी 1400 साल पुरानी मस्जिद, पानी रखा हुआ है वहाँ पर, कोई पानी नहीं है रखते थे जैसे लोग। हाँ जी ये व्लॉग आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ तो है क्योंकि बहुत पुरानी मस्जिद है दिखा हूँ, शिराज भाई ने नहीं दिखाई तो हम आ चुके हैं बाहर, और बहुत सारी मस्जिद में बहुत अच्छा है। मैं ये दे रहा था कि भाई 1400 साल पुरानी मस्जिद कैसे बनी हुई होगी, ये आप देख देखें कैसे ये पत्थर लगे होंगे 1400 साल से ही हुई। और जैसे ये लेडीज़ का भी ना यहाँ से खुला हुआ देख सकते आप लोग, ये लेडीज यहाँ से जा रही है अंदर, उस पीछे साइड से जेंट्स का, तो और इस वाली मस्जिद में तो नहीं है वो लेडीज़ जाने वाला ना, और घर की तरफ निकल लें तो देख सकते हैं वो मस्जिद बिलाल है, वो जो सामने बिल्कुल लगी हुई है वो मस्जिद बिलाल है देख सकते हैं। पत्थर कैसे हैं और वो भी 1400 साल पुराने पत्थर हैं ये सारे, जितने याद देने से पुराने 1400 साल पुराने, तो अभी घर की तरफ निकल रहे हैं तो आपको मुझे डायरेक्ट कर रहे। 2000 years later तो गाइस अभी फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं इतना स्ट्रगल करके, तो अभी सब आए हैं हम घर पे, तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी अब आपको मिलूंगा मैं अंदर व्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।